माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं। तो हम लोग आज वोलेटाइल्स ऑयल जो है वो फार्माकोग्नोसी हमारी जो यूनिट है उसके अंदर हम लोग वोलेटाइल्स ऑयल को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं हर्बल प्लांट्स, तो जो हर्बल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं का मतलब होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी थेरापूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे केमिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं मींस वो अलग अलग डिसीज़ को क्योर करेंगे ड्यू टू देयर केमिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट। तो उसी के अंदर एक जो टाइप का केमिकल पाया जाता है वो हमारा होता है वोलेटाइल ऑयल, राइट। तो जो वोलेटाइल्स ऑयल होते हैं, ये वोलेटाइल्स ऑयल हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वोलेटाइल्स ऑयल होते हैं, इन वोलेटाइल्स ऑयल को हम लोग एसेंशियल्स ऑयल भी बोलते हैं। एसेंशियल्स ऑयल का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो वोलेटाइल्स ऑयल होते हैं उनको हम लोग एसेंशियल्स ऑयल भी बोलते हैं। ये जो एसेंशियल्स ऑयल हैं ये अपनी जो एक्टिविटी, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो इनके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके कारण होता है, जैसे कि एल्डिहाइड्स, अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन, ऑक्सीडाइज, फिनॉल, फिनॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, टर्पीन्स, एसिड, एल्डिहाइड्स। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्टिव ये सारे के सारे हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके कारण इनकी एक्टिविटी होती है। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो हैं ये एसेंशियल्स ऑयल कहलाते हैं। ये एसेंशियल्स ऑयल की प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके कारण होती है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो अभी मैंने आपके सामने इंडिकेट किए, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे वोलेटाइल्स ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारा जो वोलेटाइल ऑयल है वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और हम हमारे अंदर जो भी डिसीज़ कॉज हुई है उसको ये क्योर करता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का अपना इम्पोर्टेंस है डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो जो हमारे वोलेटाइल्स ऑयल होते हैं उनके अंदर ये इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना थेरापूटिक इफ़ेक्ट या फिर फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो भी मैंने आपके सामने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअली हम ये बताएंगे कि कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल मीन्स अल्कोहल टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वोलेटाइल ऑयल वाले जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर जो अल्कोहल वाले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से
एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मींस एक तरीके का केमिकल जिसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट हो। कौन सा वाले की बात अभी हम लोग कर रहे हैं? अल्कोहल की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब जो वोलेटाइल वाले ड्रग्स हैं, वोलेटाइल वाले जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये अल्कोहल ग्रुप कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हमको अभी देखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये रहता है जेरेनियोल, सिट्रोनिलोल, मैंथोल, लीलेलोल, टर्पिनोल और बोर्निलोल। इनके अंदर ये हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो ईस्टर ग्रुप है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ईस्टर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा प्रेजेंट होता है बेंजोएट में, एसीटेट्स में, सैलिसाइलेट्स में और सिनेमेट्स में। मींस ये जो ईस्टर ग्रुप है वो इतने टाइप्स के ग्रुप्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कीटोन्स के अंदर, तो जो कीटोन्स होते हैं ये जो कीटोन्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कैम्फर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैंथोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लेग्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारा कीटोन्स वाला, ये कीटोन्स वाला ग्रुप हमारा इनके अंदर, मतलब ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारा जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है। और इसी कीटोन फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमारी शो होती है, राइट? तो ये हमने अभी बात करी कीटोन्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेज के बारे में, कि जो हमारा ऑक्सीडेज है, ये ऑक्सीडेज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट होता है सीनियोल के अंदर, मीन्स सीनियोल जो है वो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। और इस सीनियोल जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो है हमारा ऑक्सीडेज। ये ऑक्सीडेज ग्रुप जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है सीनियोल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फिनॉल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फिनॉल फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो फिनॉल जो ग्रुप होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है यूजिनियोल में, थाइमोल में और नेक्स्ट होता है कार्वाक्रोल में। तो ये हमारे एक्टिव प्रिंसिपल हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारा जो फिनॉल ग्रुप है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो हाइड्रोकार्बन्स हम यूनिट है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, मींस कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट होती है। तो ये प्रेजेंट होता है साइमीन के अंदर, मर्सिन के अंदर, सेबनीन्स के अंदर और स्टोरिन्स के अंदर। तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारा इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टर्पिन्स के, तो जो टर्पिन्स हैं हमारे, ये टर्पिन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो जो टर्पिन्स हैं ये हमारे लिमोलिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिलाड्रीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैम्फीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सिट्रीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारे, इनके अंदर जो मेन यूनिट प्रेजेंट होती है वो हमारी होती है टर्पिन्स। तो टर्पिन्स के अंदर हमारे ये टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एसिड की, तो जो हमारा एसिड ग्रुप है ये एसिड ग्रुप हमारा किस कौन से टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो एसिड ग्रुप है ये हमारा बेंजोइक के अंदर प्रेजेंट होता है,
सिनेमिक के अंदर प्रेजेंट होता है, मरिस्टिक के अंदर प्रेजेंट होता है और आइसोवैलेरिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एसिड ग्रुप है वो हमारे ये टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करें कि जो एल्डिहाइड्स हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के, तो वो हमारे सिट्रल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिट्रोनिलल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेंजल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिनेमल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वैनिलिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी हमने बात करी कि जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हमारे थेरापेटिक एक्टिविटी शो करते हैं और इन्हीं थेरापेटिक एक्टिविटी की वजह से हमारी जो भी डिसीज़ होती है वो क्योर होती है। तो जब भी हम लोग वोलेटाइल ऑयल पढ़ते हैं तो हमको किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा जो वोलेटाइल ऑयल है इनके अंदर कौन सी यूनिट प्रेजेंट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उनके अंदर कॉमन आइसोप्रीन यूनिट होती है और ये आइसोप्रीन यूनिट के अंदर कौन कौन से टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े और ये फंक्शनल जो ग्रुप्स होते हैं ये कौन कौन से टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंस शो करते हैं क्योंकि जो डिसीज़ हमारी क्योर हो रही है वो इन्हीं की वजह से क्योर हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रख के अपना स्टडी करना है। तो जब भी वोलेटाइल ऑयल आएगा तो आपको ये बताना है कि वोलेटाइल ऑयल जो है हमारे ये एसेंशियल ऑयल क्यों कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, और ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर स्पेशल टाइप के हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर से हमारा जो वोलेटाइल ऑयल है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर हमको अपने प्लांट्स के अंदर से वोलेटाइल ऑयल को बाहर निकालना है तो हम लोग किस तरीके से उसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्री टाइप्स की मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली मेथड जो है वो हमारी डिस्टिलेशन मेथड है। ये डिस्टिलेशन मेथड को हम लोग हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो हाइड्रो डिस्टिलेशन जो मेथड होती है, ये हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट को पानी के कांटेक्ट में रखते हैं, पानी गर्म होता है तो प्लांट्स के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो इवापोरेट होता है और उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। एक हमारी ये मेथड होती है। दूसरी मेथड हमारी होती है इन्फ्लुरेस मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो ड्रग होती है उसको हम लोग फैट के ऊपर रखते हैं, फैटी लेयर के ऊपर रखते हैं। वो फैटी लेयर जो होती है वो वोलेटाइल ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम लोग डिफरेंट सॉल्वेंट्स की हेल्प से वो वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो थर्ड मेथड है वो हमारी कहलाती है मैकेनिकल मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनको हम लोग रप्चर करते हैं, तोड़ते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वोलेटाइल ऑयल है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये सारी मेथड्स फॉलो करके हम लोग अपने प्लांट्स में से जो भी वोलेटाइल ऑयल है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये मेथड हमारी कहलाती है एक्सट्रैक्शंस मेथड। तो हमको वोलेटाइल ऑयल में वोलेटाइल प्रिंसिपल किसकी वजह से होता है, वोलेटाइल ऑयल हमारे प्लांट्स में से किस तरीके से बाहर निकलता है, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में हर बार इसको पूछा जाता है।
और इस तरीके से आप लोग अपना आंसर को लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।